Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. आप लोग सोच रहे होंगे हाय ये भुक्कड़ क्या खा रही है. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे फेवरेट पास्ता की रेसिपी. तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट. ओके, तो ये मैं ले रही हूँ दो डिफरेंट पास्ता बट सेम ब्रांड, क्योंकि जो ये शेप्स होती हैं ये आप अगर एक साथ बनाओगे तो इनकी टाइमिंग पकने की एक्चुअली डिफरेंट होती है. एक जल्दी बन जाता है और एक थोड़ा सा टाइम लगाता है, इसलिए मैं दोनों को सेपरेटली कुक करने वाली हूँ. तो सबसे पहले आपने लेना है पानी, और पानी की कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, बस जितना ज़्यादा पानी होगा उतना अच्छा है ताकि आप आराम से अपना पास्ता जो है बेक कर सकें. तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, और उसके बाद जा रहा है इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल. इससे क्या होगा, आपका जो पास्ता है वो चिपकेगा नहीं, खिला खिला सा प्यारा प्यारा सा खूबसूरत सा पास्ता आपका बॉयल होगा. तो ये हम कर लेते हैं. हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स, मतलब मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही एक दफ़ा चम्मच हिलाने की ज़रूरत है. एक्चुअली मैं वेट कर रही हूँ कि हमारा पानी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए. तो जैसे ही आपका पानी जो है वो बुलबुल करना शुरू कर जाए तो उसके अंदर आपने ऐड कर देना है अपना पास्ता. यस, उससे पहले नहीं करना है, और आपने ऑलमोस्ट 10 to 12 मिनट्स के लिए वेट करना है और इसको अच्छी तरह से पकने दें. जब आपका ऑब्वियसली हमें 100% कुक नहीं करना है, बिकॉज़ ये थोड़ा सा सॉस के अंदर भी कुक होगा, तो इतना हो जाए कि ये थोड़ा सा खुल जाए, खिल जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तो इट मीन्स आपका पास्ता रेडी हो गया है. ये देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं दोनों पास्ता को अलग अलग कुक कर रही हूँ क्योंकि इनकी कुकिंग टाइमिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है. एक अदरवाइज जल्दी कुक हो जाएगा और एक कच्चा रह जाता है, इसलिए या तो आप एक ही शेप के लें या फिर अगर डिफरेंट ले रहे हैं तो उन्हें अलग अलग कुक करें. यहाँ जैसे ही आपका कुक हो जाता है आपने फ़ौरन से जो है एक दफ़ा पानी के साथ इसको वॉश कर लें, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो इसके अंदर अभी स्टीम होती है जिससे ये थोड़ा और जो है बाद में भी कुक होता है. तो बेस्ट है कि आप इसको एक दफ़ा ठंडे चिल ठंडा यख वाला जो पानी होता है उसके साथ आप इसको वॉश कर लें तो ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, और थोड़ा सा अगर आप इसको ऑयल लगा लेंगे तो ये आपका काम और ज़बरदस्त हो जाएगा. और ये आप एक दफ़ा से मिक्स कर लें तो ये कभी भी आपका पास्ता, एक भी पास्ता जो है वो एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं, और एक एक आपको जो अपना पीस है वो ऐसे मिलेगा ज़बरदस्त. अरे वाह, क्या लग रहा है. सो अब हमें चाहिए सम वेजीज़. अब आपकी मर्ज़ी है आप कौन कौन सी वेजीज़ यूज़ करना चाह रहे हो, इट्स टोटली अप टू यू. कोई पसंद है तो ऐड कर लें, नहीं पसंद है तो निकाल दें. ओके, मैंने ये सब वेजीज़ ली हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ, जुकीनी, कैरेट, मशरूम्स एंड ऑलिव्स, और सम ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली मैं मोस्टली ले आती हूँ और उसे वॉश करके और फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो मुझे जब भी ज़रूरत होती है तो मैं निकाल के यूज़ कर लेती हूँ. सॉरी, ऑलिव्स मैं दिखाना भूल गई थी, लेकिन वो भी यूज़ करेंगे, लेकिन ब्लैक करने हैं आपने यूज़. तो सबसे पहले मैंने सोचा जल्दी से मैं कैरेट को बॉईल कर लूँ. अगर आप वेजीज़ को हल्का सा बॉईल करके भी रख लो तो आपका काम आसान हो जाता है. आप चाहो तो नेक्स्ट डे भी पास्ता बना सकते हो, क्योंकि आपकी वेजीज़ हाफ कुक होंगी तो आपका पास्ता जल्दी रेडी हो जाएगा. तो मैंने सबसे पहले अपनी कैरेट डाली थी क्योंकि उसी को ही थोड़ा टाइम लगता है. जुकीनी को हार्डली 2 मिनट्स चाहिए होते हैं, कैरेट आपने सिर्फ 3 मिनट्स के लिए कुक करना है, और उसके बाद 2 मिनट्स एक्स्ट्रा जो है वो जुकीनी को दे दें. आप चाहो तो कैप्सिकम को भी 2 मिनट्स कर सकते हो, लेकिन कैप्सिकम फिर भी जल्दी हो जाती है पास्ता में, तो इसलिए उनको मैं नहीं करती, क्योंकि आपके वेजेस थोड़े क्रंची होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज आपके पास्ता में वो टेस्ट नहीं आएगा. तो जस्ट हार्डली 3 to 4 मिनट्स लगाएं और उसके बाद इन्हें निकाल के रख दें. अब हमारा स्टेप आ गया है सॉस बनाने का. मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्रीम, फ्रेश क्रीम जो आती है, आप नेस्ले की भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्रांड की कर लो जो आपको पसंद है. उसके बाद इसमें आपने यूज़ करना है पामेजान चीज़. पामेजान चीज़ वैसे मुझे पाकिस्तान में अलफतेह से मिली थी, बाकी जगह पर आपको ईजिली सुपर स्टोर से मिल जाएगी. बटर चाहिए एंड दूध, मिल्क चाहिए ऑब्वियसली. तो अगर आपके पास पामेजान चीज़ नहीं भी है फिर भी इट्स ओके, मैं उसका ऑप्शन आपको बता दूंगी कि उसका सब्स्टिट्यूट आप क्या यूज़ कर सकते हो. सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ बटर, बल्कि ज़्यादा ही डाला है, और उसके बाद इसके अंदर 3 टेबल स्पून ऑफ ऑयल, कोई भी ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो आपने ऐड करना है. और इसको अच्छी तरह से जब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और मेल्ट हो जाए, आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है अपनी क्रीम. क्योंकि मैं पास्ता काफ़ी ज़्यादा बना रही हूँ तो मैं सॉस भी ज़्यादा ही बनाऊँगी. अगर आप इतना ज़्यादा नहीं बना रहे तो आप इसकी क्वान्टिटी हाफ कर दो. सब क्रीम्स डालने के बाद मैंने 1 फुल मग जो है वो इसमें मिल्क का ऐड किया है. अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक करना है फॉर अबाउट
5 मिनट्स के ये सारा अच्छी तरह से एक जान हो जाए, सारी एक साथ चीज़ें मिक्स हो जाए। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 3-4 मिनट्स ही लगते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है पामेजान चीज़। अगर आपके पास पामेजान चीज़ नहीं है इट्स ओके, आप इसके अंदर मोजरेला चीज़ भी ऐड कर सकते हो, लेकिन पामेजान चीज़ इटसेल्फ थोड़ी सी सॉल्टी होती है, और मज़े की बात यह है कि ये आपकी क्रीम को थिक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपने बिल्कुल नॉर्मल सी फ्लेम रखनी है, नॉर्मल भी नहीं थोड़ी सी लो ही रखनी है, और अब इस क्रीम को हम 15 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। अगर आप इसमें मोजरेला चीज़ ऐड करोगे तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगी और अच्छी सी थिक आपकी क्रीम हो जाएगी, मगर टेस्ट जो बेस्ट आएगा वो पामेजान चीज़ से ही आएगा। लेकिन नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मोजरेला से भी बुरा नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर मैंने ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा 1 टीस्पून ही यूज़ किया है। सॉल्ट ऑब्वियसली अपने अकॉर्डिंग के टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आप लोगों ने, उर्दू भी ख़राब हो गई है। और इसके अंदर ऐड किया है मैंने क्रश्ड रेड चिली। मैं अपनी सॉस हमेशा थोड़ी सी स्पाइसी रखती हूँ ताकि यू नो देसी लोग हैं ना ऑब्वियसली। तो इसको कुक करना है अच्छी तरह से कि ये थिक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना इसको, क्योंकि जब ये कुकिंग के लिए हम अपने बाकी चीज़ों के साथ ऐड करेंगे और स्पेशली जब पास्ता ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है, तो आपने ज़्यादा थिक नहीं करना। ये एक दफ़ा हो गई है आपकी सॉस रेडी। अब मैंने लिया है यहाँ पे बोनलेस ब्रेस्ट चिकन के पीसेस, और इसके ऊपर हमने डालना है सॉल्ट, रेड चिली, चाट मसाला, यस। तो ये सारी चीज़ें हमने दोनों साइड पे लगानी है, एंड सम ब्लैक पेपर, यस। और ये सारी चीज़ें लगा के दोनों साइड पे अच्छी तरह से हम लोगों ने थोड़ी सी अपने चिकन की जो है वो मसाज करना है, उसको अच्छी तरह से उसकी मालिश कर लें दोनों साइड पे, और उसके बाद जो है इसका हम इसको कुक करेंगे। अब ऑब्वियसली अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालने हैं, मैं स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा रखती हूँ क्योंकि कुक होंगे तो उसके बाद वैसे ही थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसलिए अब हम इसको करते हैं शेलो फ्राई। वैसे मैं नॉर्मली इसको ग्रिल करती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ग्रिल था नहीं तो इसलिए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, पैन में भी इट्स नॉट बैड एट ऑल। अगर आपके पास ग्रिल है, पैन है, तो आप उसके अंदर ग्रिल भी कर सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया, मतलब नॉर्मल सा फ्राई किया। दोनों साइड को अच्छी तरह से आपने पका लेना है, और उसके बाद हमारा चिकन हो गया है रेडी, और जैसे ही गरम गरम होगा आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं, और ज़्यादा मोटे नहीं रखिएगा, पतले रखें ताकि जब पास्ता में बाकी वेजीज के साथ आपका चिकन आपके मुँह में आए तो फिर वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत अगर आप थिक रखोगे, मोटे मोटे से पीस होंगे तो वो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा छोटे पीसेस ही रखती हूँ जैसे दिखा रही हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा क्रश। इट्स ओके अगर आप ये नहीं ऐड करना चाह रहे तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है। तो मैंने सॉरी नॉट जिंजर जस्ट गार्लिक। तो गार्लिक को हम लोग करेंगे, ऑयल हमने डाला है ऑलमोस्ट 4 to 5 टेबल स्पून। इसके अंदर गार्लिक डाल के उसको हमने करना है थोड़ा सा ब्राउन, बिल्कुल हल्का सा, और उसके बाद इसके अंदर जाएंगी वेजी। सबसे पहले आपने डालनी है कैप्सिकम, क्योंकि ये कच्ची है और यही अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे कुक होने के लिए, तो आपने सबसे पहले जो है वो अपनी कैप्सिकम डालनी है, क्योंकि बाकी जो हमारी वेजीज थी उन्हें हमने थोड़ा सा कुक कर लिया था, मतलब जब हमने उन्हें बॉईल किया था, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि उन्हें फ़ौरन से डाला जाए वरना वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो मैं मशरूम्स डाल रही हूँ, अपने रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम डाल के, और इन्हें मैं पहले थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, आपकी वेजेस जो हैं थोड़े क्रंची होने चाहिए। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। अब हम लोग स्लाइटली इसको पका रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते जाएं बाकी वेजेस। अब जैसे ही बाकी आपकी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी तो बाकी सारी वेजेस डाल के, चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये बेसिकली हम असेंबल कर रहे हैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हमने रेडी की थी उन सबको, और चिकन कितना ज़्यादा डालना है कितना कम ये आपकी चॉइस है। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा चिकन भी नहीं पसंद, क्योंकि बाकी चीज़ों का टेस्ट भी आना चाहिए, ये नहीं कि हम बस चिकन ही चिकन खा रहे हैं। तो वेजीज़ हैं तो ऑब्वियसली वेजीज़ का अपना टेस्ट है। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं सॉस। आप सारी सॉस मत ऐड करना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ये सॉस ठंडी होती है तो ये थिक हो जाती है, तो इन केस अगर आप फ़ौरन नहीं खा रहे या 2, 4, 5 घंटे बाद खाओगे तो आपकी सॉस जब ठंडी हो जाएगी तो थिक हो जाएगी, तो आपको बाद में भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऑलिव मेरे पास इस टाइम ब्लैक अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने कहा चलो हम लोग ग्रीन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ग्रीन का वो टेस्ट नहीं आता जो ब्लैक का आता है, तो आप लोगों ने ब्लैक ऑलिव्स ही यूज़ करने हैं अगर आप यूज़ करना चाह रहे हो। अब इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करनी है। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर,
रेड चिली, वही स्पाइसेस जो हमने सॉस में की थे, और थोड़ा सा नमक। नमक मैं इतना ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि हमारी सॉस में जो पार्मेजान चीज़ थी, मैंने पहले बताया था, वो सॉल्टी होती है, तो हमें एक्स्ट्रा से कोई बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर आपको टेस्ट का लगे तो आप ऐड कर सकते हो, और कितना स्पाइसी करना है ये आपकी मर्ज़ी है। मैं थोड़ा सा अपना स्पाइसी ज़्यादा रखती हूँ। तो अब हमने ऐड कर देना है अपना पास्ता। पास्ता मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही बॉईल कर लिया था, मगर वो मैंने फिर बाद में यूज़ कर लिया था, नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा बनाया था तब उसमें मैंने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे अब हमने इसको मिक्स करना है, और सिर्फ कवर करके 2 to 3 मिनट्स के लिए आपने इसको रखना है, ज़्यादा नहीं रखना, अदरवाइज़ आपकी वेजीज और सॉफ़्ट हो जाएंगी। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 मिनट, दैट्स इट। और ये हो गया है हमारा पास्ता रेडी। हाँ, मतलब चेक करो, गरम गरम पास्ता विद वाइट सॉस एंड वेजीज एंड चिकन, यम। मतलब इट लुक्स सो टेस्टी। मतलब अब मुझे देख के दिल कर रहा है कि मैं बनाऊं और मैं इसको खाऊं। आप लोगों ने भी ये ज़रूर बनाना है और ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। ये आप आराम से अपने किचन फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए, ये ट्रस्ट में ख़राब नहीं होगा। जब दिल चाहे इसको निकालें, हल्का सा इसको गर्म करें और इसको एन्जॉय करें। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो गिव योर कॉमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो जो है वो भी बहुत मज़े की आने वाली है, सो डोंट मिस। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी जाओ, पास्ता बनाओ, खाओ, एंजॉय करो, और मुझे बताना ज़रूर कि कैसा बनाए। मैं इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी, और नीचे भी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाय बाय।